11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। जो चीज जैसे अभी बागेश्वर कहता है, बहुत से लोग कह रहे हैं, रामदेव कहता कि साहब कैंसर अगर हो जाए तो गोबर को सिर पर लगा लो, गोबर से नहा लो, जो ये कहते हैं। अगर एक आदमी का भी कैंसर ये सही कर दे, एक का भी, तो आप जो कहिए ये फिर अस्पताल की क्या जरूरत है। वो क्या कहता, बोले जी कृपा रुकी हुई है। बोले जी कहाँ रुकी है? बोले तुम ये बताओ, तुमने पिछले सोमवार को कुत्ते को रोटी कौन सी खिलाई थी, गेहूँ की खिलाई थी कि धान की खिलाई थी? बोले साहब गेहूँ की खिलाई थी। बोले कैसा रंग था कुत्ते का? उन्होंने कहा जी लाल था। उन्होंने कहा काले कुत्ते को खिलाओ, कृपा आ जाएगी। ये जाओ जिसकी जितनी जनसंख्या है, जैसे जो फार्मूला दिया काशीराम ने कि भाई उसको जो है उतना रिजर्वेशन दे दो, क्या ये प्रूव कर दे कि उसके पास कोई ज्ञान है? मैं भरी सभा में ये तय करने को तैयार हूँ कि अगर उसने ये कर दिया कि उसके पास कोई ज्ञान है या उसमें कोई शक्ति है, तो मैं पूरी ज़िंदगी उसके पैर धोकर उस पानी को पीऊँगा, नहीं समझे? और अगर सिद्ध नहीं कर पाया तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे रहा है, समझ रहे? मैं जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जातियां नस्लें जानवरों में होती हैं, जैसे बुर्रा भैंस, साहिवाल बैल, हरियाणवी बैल। मनुष्यों की जाति सिर्फ एक है, वो है मानव, और मानवता का धर्म एक है जिसे कहते हैं मानवता, ह्यूमैनिटी। जैसे मान लीजिए अभी ये आदमी गिर पड़े, बुखार आ जाए, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? यार तुरंत पानी लाएं, इस गाड़ी में बैठाएं, अस्पताल पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हमारा धर्म एक है मानवता। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म की जो दुहाई देते हैं, भाई हिंदू धर्म 11 दिसंबर 1995 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इधर सुनो, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, जिसे आपत्ति हो नोट कर ले, 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। कोई भी आदमी कोई भी जीवन पद्धति अपनी कर सकता, कोई सुबह उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई नहाता ही नहीं, तो जिसकी जो मर्जी है उसकी वो जीवन पद्धति है। तो जीवन पद्धति क्या है? उसमें जो है मनुस्मृति जो ग्रंथ था वो इतना गंदा था कि लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या हुआ, ये संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हो गया। जब संविधान लागू हो गया तो इसमें क्या तय हुआ, इस संविधान में क्या है, पहले ही पेज पे लिखा है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया मतलब भारत। तो अब किस बात की वो हो रही है कि साहब पहले इंडिया लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ बदलोगे, क्या क्या बदलोगे? तो ये जो फर्जी चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। आप इंडिया मतलब भारत, तो इंडिया भी है भारत भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो उस पर बहस ख़त्म। कि जाओ जिसकी जितनी जनसंख्या है, जैसे जो फार्मूला दिया काशीराम ने कि भाई उसको जो है उतना रिजर्वेशन दे दो। आप बताओ मुझे, यानी OBC की जनसंख्या लगभग 54 है, आपने दिया 27, उसमें 27 में भी पिछड़ों में भी अगड़े हो गए हैं। मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ खुल के, आप समझ रहे होंगे। तो हर आदमी की जितनी जितनी जनसंख्या है उतना परसेंट उसको दे दो, आपका झगड़ा खत्म, आपका झगड़ा खत्म, कहाँ कोई झगड़ा है। जो चीज़ जैसे अभी बागेश्वर कहता है, बहुत से लोग कह रहे हैं, रामदेव कहता कि साहब कैंसर अगर हो जाए तो गोबर को सिर पर लगा लो, गोबर से नहा लो, जो ये कहते हैं। अगर एक आदमी का भी कैंसर ये सही कर दे, एक का भी, तो आप जो कहिए ये फिर अस्पताल की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी वहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्यों जा रहे हो वहाँ? बोले जी कहीं हो जाए तो, नहीं समझ रहे आप, जो जा रहा है वो मुझसे क्या बोल रहा? बोले साहब कहीं हो गया तो, एक किरण देख रहा हूँ मैं, इसमें भी गोबर में भी, गोबर में भी किरण देख रहा हूँ। मोरारजी देसाई इस देश का प्रधानमंत्री जो ये कहता था कि स्वयंमूत्र पियो, यहाँ जानते होंगे दो चार लोग, और उसने 3,500 करोड़ की प्रयोगशाला बनवाई, जब वो हट गया कोई भी नहीं पी रहा। अब ये आया नया, वो कहता है जी गाय का मूत्र पियो, सारे कष्ट दूर,
और वो गाय का मूत्र पता लगा 50 रुपये लीटर बिक रहा है, लोग डिब्बा लगा के खड़े हैं, कब पेशाब करेगी तो उसको लेंगे, किसान की आमदनी बढ़ रही है। और जब उसे पिया 10 बार तो पता लगा उसमें रोग हो गए और तमाम शरीर में, तो अब उसे कोई नहीं पी रहा। तो हमारे यहाँ ट्रायल एंड एरर जो करते हैं, प्रयोग जो करते हैं, मैं दोस्तों भाइयों मेरे बहनों, मैं प्रयोग करने के लिए मना कर रहा हूँ, प्रयोग मत करो। प्रयोग करने का ज़माना चला गया। जो सेट स्टैंडर्ड हैं कि सूरज यदि पूरब में निकलता है तो पूरी दुनिया ये जानती है कि पूरब में निकलता है, तो इनसे बचो। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक इस देश में अंधविश्वास और पाखंड रहेगा तब तक बागेश्वर जैसे लोग ये बकवास करते रहेंगे। आप अगर ना जाओ, मान लो जो 85% जनता, जिसे हम कहते हैं बहुजन, गरीब हैं, ये अगर वहाँ जाना बंद कर दें तो उस तो रोजी रोटी भी मर जाएगा, वो तो सारी झंझट तो आप पाल लो। उसकी सभा में, अभी सभा हुई कहीं पे, तो 35 औरतों के गले से मंगलसूत्र चोरी हो गए भीड़ में। जैसे मान लो भीड़ है, आप निकाला भाग गया, तो भैया अब उनके मंगलसूत्र क्यों नहीं बताता कौन ले गया, या उनको बनवा के दे, या ये प्रूव कर दे कि उसके पास कोई ज्ञान है। मैं भरी सभा में ये तय करने को तैयार हूँ कि अगर उसने ये कर दिया कि उसके पास कोई ज्ञान है या उसमें कोई शक्ति है, तो मैं पूरी जिंदगी उसके पैर धोकर उस पानी को पीऊँगा, नहीं समझे। और अगर सिद्ध नहीं कर पाया तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे रहा है, समझ रहे। ऐसे ही पंडोखर बाबा है, एक वो नीम बाबा, उससे पहले राम रहीम बाबा, अच्छा राम रहीम बाबा, उसके बाद निर्मल बाबा। वो क्या कहता, बोले जी कृपा रुकी हुई है। बोले जी कहाँ रुकी है, बोले तुम ये बताओ तुमने पिछले सोमवार को कुत्ते को रोटी कौन सी खिलाई थी, गेहूँ की खिलाई थी कि धान की खिलाई थी। बोले साहब गेहूँ की खिलाई थी। बोले कैसा रंग था कुत्ते का, उनने कहा जी लाल था। उनने कहा काले कुत्ते को खिलाओ कृपा आ जाएगी, है कि नहीं। और वहाँ उसकी उसमें भीड़ जा रहे हैं, उस आदमी ने 6,000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। मैंने अपने पिताजी को लिख के दिया था मरने से पहले, अब तो है नहीं, मैंने कहा मुझे अनुमति दो, पूरी दुनिया का आधा धन मैं तुम्हें यहाँ ला के रख दूंगा, लेकिन मैं लगातार झूठ बोलूँगा। तो उसने क्या कहा, अगर तू मेरा सच्चा पुत्र है तो चाहे तुझे रोटी खाने को ना मिले लेकिन सच बोल। तो भैया मैं तो सच बोलते बोलते आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पे कुछ भी नहीं है। अब जैसे जो 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हुई थी, मोदी जी ने बनाई 250 करोड़ की, कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि साहब ये तो घोटाला है। बोले हम नहीं मानते घोटाला, कर लो क्या करो।